नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। आज मैं रामगढ़ में हूं और जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर रामगढ़ मोदी मोहल्ला, उसमें ये हटवाड़ा जो हाट है बोलते हैं वो लग रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप जो दुकानदारों को देख रहे होंगे, ये दुकानदार फ्री बैठे हुए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि इनका जो किराया भाड़ा है आने जाने का जो है वो भी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि आज ये जो क्षेत्र है, जो एरिया है, पूरा ग्रामीण एरिया है, किसानी एरिया है, यहाँ आसपास के लोग किसान हैं और उनके कारण सब लोग आज खेती और बाड़ी में लगे हुए हैं, तो खरीद करने वाला कोई है नहीं। और आज देख पा रहे हो जितने भी दुकानदार भाई हैं यहाँ के लोग, वो केवल ग्राहक के इंतज़ार में बैठे हुए हैं लेकिन ग्राहक नहीं है। और इसका यही कारण है कि जो पूरा जो क्षेत्र है वो केवल किसानी क्षेत्र है और ग्राहक का आना जाना अभी बंद है, क्योंकि फसल की कटाई का कार्य चल रहा है, लोग बाग फसल कटाई में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो दुकानदार है इनके सामने आज, अगर मैं बात कहूँ, मैं आपको दुकानदारों से भी बात करवाऊँगा, इनके सामने आज जो धंधा है इनका जो बिल्कुल नहीं है, तो कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी का जो असर है इनके ऊपर आज भी पड़ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं सीधी तस्वीर जी न्यूज़ पोर्टल पर, और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ दुकानदार, कहीं भी कोई दुकानदार ऐसा नहीं है जिसकी कोई दुकानदारी चल रही हो। और इधर विद्यालय हैं तो कुछ ये आप देख पा रहे हैं, तो ऐसा ग्राहक नहीं है। और आइए मैं आपको अब रूप, ये लेडीजों का सामान बेचने वाले भैया, इनसे भी हम बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? अकरम अंसारी। कहाँ से आए हो आप? लाल सोर से आए। तो सात दिन आते हो कि या डेली लगता है ये? सात दिन के साथ। तो किस पर आप हर गाँव में लगाते हो? तो कभी खां कभी खां इस प्रकार। तो आज आप डिडवाना ही नहीं, ये घर रामगढ़ में हो आज, और इस प्रकार की व्यवस्था है आपकी दुकानदारी, कितने की दुकानदारी हुई या नहीं हुई है अभी तक? तो सर अभी तक बोनी नहीं है, और अभी समय की देखे तो हम 12:15 का लगभग टाइम हो चुका है। और तो जो आप आए हो, किराया भाड़ा खर्चा पानी, ऐसा लगता है कि आपके जेब पर असर पड़ने वाला है? वैसा कि तो जेब से ही लगेगा। तो पहले तो कोरोना ने मारा, कोरोना में अब जब धंधा चालू हुआ है, तो आज शादी ब्याह का मौसम है और पूरा किसानी क्षेत्र है, तो कहीं कहीं असर पड़ा आपके धंधे पे? बिल्कुल वैसा असर पड़ी रहा है, बोने बट्टे तक भी नहीं होते। बोन बट्टे भी नहीं हुए अभी तक। लेकिन आपके पास ऐसे सामान है, अगर मैं सामान की बात करूँ तो ऐसा सामान है कि तुरंत बिकने वाला सामान है? आप सामान तो तुरंत बिकने वाला ही, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं बिक रहा है। महिलाएं वगैरह खेतों पर काम कर रही है? बिल्कुल खेतों पर काम कर रही है, आई मेरा कस्टमर ही है। तो कितने का सामान है आपका, ये मैं आपको दर्शकों को दिखा दूँ कितने सामान? तो कहना नहीं, इसकी रेट क्या है? जैसे ज़्यादा में 5 रुपये रेट का भी है, 10 रुपये रेट का भी है, 50 रुपये रेट का भी है। 5 रुपये से स्टार्ट है, 200 रुपये तक का सामान है। अच्छा, आपकी ये दुकान है, शॉप आपकी है, क्या नाम है आपका? दानी संसारी जी। तो क्या कहना चाहोगे आज? आपके भैया ने बोला कि हमारी अभी दुकानदारी नहीं हो पाई है और बोनी तक नहीं हुई है, तो कितना फर्क पड़ा जो अभी किसानों को जो खेतों में काम करने इसको लेकर? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, बोनी बट्टे खर्चा जो लगा के आ रहे हैं, वो तेल गाड़ी भरा के, वो गाड़ी का भी खर्चा नहीं निकल रहा है बिल्कुल भी, ये मान लो पानी की बोतल का पैसा नहीं है। चलो, तो ये थे दुकानदार, और मैं आपको थोड़ा सा अब आगे रुक करवाता हूँ, क्योंकि आज के दौर में जब कोरोना था तो कोरोना ने लोगों को मारा, कोरोना के बाद जैसे लोगों की जीवनचर्या चालू हुई, तो चालू होने के बाद कहीं ना कहीं आम आदमी एक दूसरे की समस्या को देखे अपने रोजी। और मैं आपको ये दिखा दूं कि ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो हर आदमी के काम आने वाली चीज़ें हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। ये चप्पलों की दुकान है भैया आपकी, ये दुकान क्या नाम आपका? अरशद अंसारी। अभी आपकी बोनी हुई है कि नहीं हुई है? नहीं, आपकी बोनी नहीं है। तो अभी खेतों में लावणी चल रही है, तो उस वजह से पब्लिक तो आती नहीं है, तो धंधा तो चलता ही नहीं है, फिर भी आते जाते हैं। तो थोड़ा कैसे मैनेज करते हो? आपका खर्चा हुआ आने जाने का, किस प्रकार मैनेज करते हो? अब ज्यादा नहीं तो अपने जो लागत आएगी वो असल लागत असल के अंदर तो आई जाएगी, तो घर खर्चा तो चला ही लेंगे। शाम को कितने बजे तक बैठते हो? शाम को 5 बजे तक, 4 बजे। अगर इस तरह का माहौल रहा तो फिर जल्दी कुछ नहीं, जेब से देने पड़ेंगे पैसे, जल्दी चल जाएंगे 3 बजे। तो ये था, और मैं आपको यहाँ के तो सारे दुकानदार भी है नहीं, और ये जो चीज़ें हैं केवल खेतों में काम आने वाली चीज़ें हैं, आप देख पा रहे हो किस प्रकार की ये चीज़ है। लेकिन यहाँ दुकानदार भैया नहीं है, कोई कारण वही बात है कि यहाँ ग्राहकी तो है नहीं, और कहीं कहीं आराम कर रहे होंगे, इस प्रकार की चीज़ें हैं। और ये जो इन्होंने कपड़े की दुकानें लगाई है, तो ये सारे देख लीजिए आप, कपड़े की दुकान है, और वही कहानी कि खेतों में काम करने के कारण। भैया क्या नाम आपका? ये देखो, कहीं न कहीं लोगों को भी
तो ये देख पा रहे हैं आप, सीधा आपको मैं सीधी लाइव दिखा रहा हूँ। और ये सारी चीज़ें हैं, ये जग, ये इनकी दुकान है, जग प्लास्टिक का जो सामान है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि जो लोग है, जो जनता है, आज जो पूरा क्षेत्र है, ये तो एक किसानी क्षेत्र है, और किसान क्षेत्र होने के नाते लोग कामों में लगे हुए हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, तो वो मार्केट में, बाज़ार में ख़रीदारी के लिए नहीं आ पा रहे, और इसी का खामियाजा इन दुकानदार को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की यहाँ दुकानदारी नहीं है। इसका असर है कि लोग खेतों पे काम, आप बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल में, मैं आपको दिखाता रहूँगा तमाम खबरें, तमाम अपडेट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।